पीछे आ जाती है, पीछे आ जा। ये देखें जी, अब तैयब साहब एज अ ड्राइवर उनकी भी बस हो गई है, क्योंकि बड़ा ना जोर लगता है इस पे, ऐसे आगे नहीं है जो के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कर दें लाइक। तो फिर शुरू करते हैं जी वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जी, सुबह दोबारा से बारिश हुई है। कितने 11 बजे स्टार्ट हुई है और कम अज़ कम 2 घंटे कंटिन्यूसली और बड़ी हैवी किस्म की बारिश हुई है। तो उसका नतीजा ये है कि हमारे जो रोड्स हैं वो फुल पानी से भर चुके हैं। और ये देखे ग्राउंड और रोड में आपको कोई फर्क नहीं नजर आना, मतलब लेवल हुआ है फुल पानी का। डड्डू भी पानी से बाहर आ गया और ये एक डड्डू बाहर आ गया पानी से। हाँ भाई डड्डू, केड़े इलाके का डड्डू है? ये जी डड्डू है, इससे मदहोल हुआ है बिल्कुल, इसको कोई समझ नहीं लग रही। और इस बंदे की आप नखरे चेक करें, सारी जिंदगी इसी पानी में नहा के बड़ा हुआ है और आज इस पानी से इसको गुजरते है ना गिनना आ रही है। मुझे आज भी याद है मेरे साथ बचपन में इस पानी में ये खेला था। हाँ खेलता रहा, मैं खुद देखता रहा। ये दूसरा आ गया बाहर जानजे, मेरा वेट कर रहा है, वो खड़ा हो गया, उसको नहीं पता कि मैं अंदर हूँ। खैर बाहर देख सकते हैं आप लोग, राफे करके फुल पानी है। और ये लड़के यहाँ पे पढ़ने आए हैं, मेहनत करने हैं, किताबें दिखा रहा है। ये पेन है इसके हाथ में, ये इसकी बुक पढ़ी हुई है। और दूसरा ये बैठा है, ये पढ़ रहा है, ये पबजी खेलने आया यहाँ पे। मैं घर बुला कर कुछ पबजी खेल रहा है। खैर अभी जानजेब आ गया तो उसने कहीं काम जाना है, इसके साथ चलते हैं जी काम। ओके करो यार, पढ़ना तो तुम लोगों ने आनी। ओके ओके ओके। जब कह रहा फे करके बाहर आ ले जी, पानी या फुल गुजरते हैं इधर से। की है आई, की है पट्टी वजी हैं, पट्टी वजी है। कह रहे जानजे जान जी भाईजान किधर जाना है? रामशू जाना भाई। क्या करना है? कीमा बनवाना। तो खैर इसने कीमा बनवाना, उधर जा रहे हो। सबसे पहले आप इसकी एंट्री देखे, देखे भाई ये काटा है अपना, ये लगता है कसाइयों के हाथ लग गई थी छुरियां जो ऊपर ना। तुम ये एंट्री कानों में लगा के देखो, तुम्हारे मुझे लग रहा है इस पे ना छुरियां तेज करते रहे। कौन सी है? जियोनी की होगी। हाँ ये पड़ी है मेरे पास, ओरिजिनल पड़ी है मेरे पास। खैर ये देखे जी इसकी एंट्री भाई, समझो मेरा तरस आ रहा है, दिल कर रहा है कि एक एंट्री भी नहीं दे दूं और ऊपर से कोई 50-60 रुपए भी थी ऊपर से देखो ना। भैया मेरे पास नई एंट्री पड़ी है ऐसे जालिम किस्म के, लेकिन मेरी लब नहीं रही थी मैं ये पहन के निकला। ये बंदा अपना कसम से कोई बेइज्जती फील ही नहीं कर रहा, बड़े फकर से ना लोगों को एंट्री चेक करा रहा है। देख जनाजा एंट्री फुल साउंड पता है यार, मेरे पास ओरिजिनल पड़ी है और बिल्कुल सही पड़ी है। ये तो जनाजा हर तरह की एंट्री पड़ी है, एयरडॉट पड़ी है, एयरबीट पड़ी है। अच्छा फिर भी भैया, ताकि बंदा अपनी औकात में रहे इस तरह की एंट्री लगा के। हाँ ये बात सही है तेरी, इस बात पे थी मैं मान रही हूँ जी। मार्केट पहुंच चुके हैं और ये इसने कीमा निकाला अपने बैग से, और मतलब मटन निकाला है बैग के अंदर रख के लाया हुआ था। खैर अभी इसका कीमा करवाना है और फिर घर चलते हैं। इसके अलावा भी कुछ करना है यार? ऐसा यार पकड़ लो, कितने पैसे लग गए? कितने पैसे हो गए भाई? ओ भाई कितने पैसे के पैसे काट लिया? कितने पैसे? 50 रुपये, 1.5 किलो कीमा और कीमा कराने के 50 रुपये। बस पकड़ो साबर में, सही है बैग में डालना, बैग में दो आने लग गई। अब चलो फिर उठा टांग। ओके शुक्रिया। दोपहर का खाना अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया है और नहा के मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए। और मौसम आप लोग आज भी देख सकते हैं जी, बड़ा फुल क्लाउडी मौसम हुआ है, लेकिन आज बारिश नहीं आई, कल बारिश आई थी। और अभी हम जा रहे हैं घूमने फिरने, कहाँ भी जाना भैया सर? मॉडल पार्क जी, मॉडल टाउन पार्क जा रहे हैं। वैसे जरा चक्कर वगैरह लगा के आते हैं तो आपको भी साथ दिखाते हैं जी, क्या हमें मॉडल टाउन कुछ देखने को मिलता है। अखला टिकट 20 रुपये, ये लें जी टिकट ले रहे हैं पार्क में एंटर होने की, 20-20 रुपये टिकट है। ये तो ये बड़े ने टिकट ही है भाई, आ जाए। हाँ ते तेम ने आज खर्चा कर दिया पूरा। आज जी हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है, आप लोग समझ लें हमारी एक किस्म की आज ईद है, क्योंकि आज तैयब भट्टी ने पूरे 60 रुपए लगा के, 60 रुपए मॉडल टाउन में लगा दिए, मॉडल टाउन पार्क में एंट्री की जो टिकट थी ना उसके पैसे दे दिए। तैयब भट्टी का आप मुंह देखे जरा, ये देखे हैं जुबान का आ रहा है, रोने वाला हो गया, रोने वाला। ये अब इसको ना
ये बजम नहीं होना, कम से कम इसको महीना इस तरह इसी मुंह बना रहेगा इसका। अब इसने कह रहा मियां भी कुछ दे, मियां भी पैसे पूरे हुए हैं, मियां के तो हो गए तेरे रहते मेरे रहते अभी वो जो मेरे पास है ना। बच्चों को बैक फ्लिप की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो चेक करें जी इसको क्या कहते हैं, बैक समर, बैक समर यार। इन्हू भी करा दो, इसका हो कोई ऐसी फ्लिप हो जिसमें इसका मुंह बजे नीचे ना उल्ट के, ये देखें जी ये चेक करें। हाँ चलो जी अगला है चला जी पार्क का। आप लोग मौसम चेक कर सकते हैं, बड़ा ही ना कमाल किस्म का मौसम हुआ है, क्योंकि वैसे भी आप लोगों को पता है बारिश के बाद ना हर चीज़ हरियाली हरियाली हो जाती है और मौसम बड़ा प्यारा हो जाता है। बोट्स है सारी और हम लोग सोच रहे हैं कि अब क्यों ना थोड़ी सी बोटिंग की जाए, तो लेते हैं जी टिकट वगैरह इसकी लेते हैं। और तीन बंदे पता नहीं है कि किसने बैठना किसने इस पर, एक तो मैं बैठ जाऊँगा, एक मियाँ बैठ जाएगा, बाकी तैयब ने पता नहीं, तैयब को पीछे कहीं ना बांध देते हैं इसके साथ, पीछे ही घूमता रहेगा इसको। हाँ। खोल दे यार रस्सी खोल दे, ये वाली सही है, ये वाली सही है, तो एक तो मैच नहीं है यही वाली सही है, कोई लीक ना हो जो पक्की हो बिल्कुल। ओए 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 क्या 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 फाइनली जी वी आर इन बोर्ड और मैं जो इसके बोर्ड के ना डैशबोर्ड पे बैठा हूँ, पीछे मेरे दो ड्राइवर है और आगे आप लोग माशाल्लाह व्यू चेक कर सकते हैं, इस साइड पे बादल चेक करें कमाल हैवी किस्म के बादल आए हैं फुल। मियां साहब तो चलाते आ रहे हैं बोट, लेकिन जो तैयब है ना इसकी बस हो गई अभी वहाँ से यहाँ तक चलाया सिर्फ, और इस बंदे की फुल अंदर एनर्जी जो है ना वो जीरो हो गई है, और अब ये सिर्फ वीडियो वीडियो में दिखावे के लिए पैर दबा रहा है, बाकी इतने बस कर दी मुंडा ही बाल साला है, बड़ा अच्छा ड्राइवर है ये, फुल ड्राइविंग करेगा। देखें छोटे छोटे बच्चे आए हैं पर उनकी भी बस हो गई है, क्योंकि बड़ा ना जोर लगता है इस पे, ऐसे आगे नहीं है जो के तैयब में नहीं है, जो एक्सपीरियंस करेगा वो कहेगा आज की बात बस। हाँ भाई मैं भी चला रहा हूँ वापस लेके आ रहा। मियां साहब को देखें जी लगता है कोई जद्दी पुश्ती कोई कश्तियां चलाता रहा सारी जिंदगी, देसी घी का माल। हाँ वो खैर तेन सैर तो कर ओले ओए ओए कर लो सैर ते, जो मियां ने कहता है वो कहता है। पानी है कम से कम ये चार चार फीट ज्यादा है, कोई गहरा पानी नहीं है सिर्फ चार चार फीट, और पता नहीं इसके अंदर मछलियाँ होंगी शायद, वैसे बॉर्डर पे अक्सर हमने देखी है ना घूम रही होती है। तो ये आपके पापा ना इधर छोड़ के जाते हैं, इसके पापा बीच आके जाता ना पट्टी साहब। हाँ जी क्या बात है, समझा रहा हूँ लगता है इसने घर वापस नहीं जाना मियां साहब, इसका दिल कर रहा है कि आज मैं नहा के जाऊं यहां से, पापा इधर आता मछली में दाना डाल ले। अच्छा इसने मछलियां पाली है। अच्छा ये कुछ और था, मुझे क्या कर सकते, गंदी सोच गंदे लोग सोच है ना, फिर घर वालों की जैसी तरबियत होगी वैसी सोच होगी। ये देखा लगता है ये कह रहे की मुझे गोते लगवाए यहाँ पे पानी में, और इसका कश्ती से नीचे उतरने का मूड तो नहीं, अब मोबाइल में लग गया, अब साथ ही बगलोल बन गया। हाँ, अब तो इसको कोई पता ही नहीं है, अब तो बिल्कुल अल्लाह वाला बन गया जी, बस हो गया इस बंदे की। आ जाओ जी अब मेरी बारी, ओए ओए जल्दी 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 जल्दी, एक साइड पे वजन होता है थोट ये यार भी है। ओए। ओए। क्योंकि इस बंदे के अंदर इतनी जान नहीं है, और अब मैं जरा बोटिंग करता हूँ, जरा यार इतनी जान भी नहीं लग रही वैसे। तैयब चला जी आप लोग बादल चेक कर सकते हैं, इतना कोई माशाल्लाह प्यारा व्यू हुआ है ना, नीचे पानी ऊपर गहरे गहरे फुल बादल, हर साइड पे ऐसे हैं वो, सामने आप लोग देखे और इस साइड पर भी देखे, लेकिन ऐसी शक्लें ये देखे शारी शक्ल है दरिंदा मिल गया मैं समुद्र में, इसका नाक देख वो मछलियां पकड़ने वाला नहीं होता शार का, वो थंडर होता है ना वैसा वैसा इसका नाक है, अब शुक्र कर इसको मछली नजर नहीं आ रही, वरना नाक से इसने खींच लेनी है मछली, सूंघता नाक से ना। हाँ। फिर पकड़ता है, थोड़ी थोड़ी सी लीक है, ये चेक करें पानी आया आपकी साइड भी है, सारों में आता है क्योंकि पता कैसे आता है यार, तो ये बंदे का बच्चा पानी यार, तीम ना कर दिल कर रहा है ठुड्डा मार के ना इसको आगे पानी में ही जाने दे, पानी में भी इसको हम फेंक देंगे, लेकिन फिर मछलियों का जीना आराम हो जाना है, पानी पलीत हो जाएगा फिर ना, बंदा चंगा पड़ना नंगा। शाबाश शाबाश, ये ड्राइवर है हमारा, ये आ गया ड्राइवर। अच्छा ये इन्होंने कंट्रोलर लगा के दिया, पता नहीं आगे पीछे का यार, आ जाते ये पीछे आया, ते पीछे आया, ये देखें जी अब तैयब साहब एज अ ड्राइवर और मियां साहब डैशबोर्ड पर बैठेंगे। यार इधर चले ना, ये बॉर्डर लाइन पे चले,
पीछे किधर घुमाना है? नहीं यार ऐसे रस्सी पकड़ के खड़े हैं जितना कुर्बानी में नहीं पकड़े खड़े होते बैठो को। इसको पैर दे क्या करना? पैर दे किसको आगे कर? थोड़ा सा भाईजान ये गई भाई। चल हम नहीं ऐसे चक्कर लगवा दे यार एक शहर जाने बॉर्डर लाइन तक ले जा। ए ए नहीं आप उतर के देखिए आना आना ये देखें जी गाड़ियों में बैठ जाओ तब भी इनका यही हिसाब है और बोट मिल गई है इसको भी इन्होंने। यार ना यार कसम में मेरी साइड पानी आ जाना यार पानी आ रहा है यार पानी जरा उस साइड पे गिरा उस साइड पे ना यार पानी आ रहा है यार मैं देखे जी इनकी बेवकूफी की वजह से ये भैया आ गए हैं। चल यार सीधा जान दे यार इधर तो ये बट्टी और इसकी वजह से निकाल दिया बोट से हमें तो खैर कोई नहीं भैया फिर ना पैसे लेके फिर ना ये बेवकूफी की वजह से ना जिग जैग करना शुरू हो गया जी। कोई बोट भी अब फ्री नहीं है जिस टाइम हम आए थे उस टाइम काफी खड़ी थी लेकिन अब हमारा दिल भी कर रहा है और इन लोगों की वजह से बोट से हमें बाहर निकाल दिया गया और उस साइड पे आप चेक करें अब मजा भी आना था अब लोग भी ज्यादा है अब तो अब खैर अब बोट कोई नहीं है एक बड़ी ये खड़ी हुई है और ये पता नहीं 2, 4, 6, 7, 8 बंदे इसमें बैठ सकते हैं और ये है भी मोटर वाली दूसरी अंदर वाली साइड पे काफ़ी रश लगा हुआ है पता नहीं किस चीज़ का रश है खैर जाके देखते हैं। मेरा ख्याल है कि अंदर ना टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं ना तैयब और ऐ देखो जी है नाग तैयब बिल्कुल नाक है ना तू भी इसी तरह लगता है इस कव्वे की तरह तो खैर अभी चलते हैं उस साइड पे उस साइड पे ब्रिज है उससे घूम के अंदर जाएंगे और फिर देखते हैं जी अंदर हो क्या रहा है। ब्रिज जिस पे हमें वो इतनी दूर से घूम के इस ब्रिज तक आना पड़ा इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है दो बच्चे खैर बड़ा गंदा पानी है ये पहुंच चुके अंदर और बहुत ज्यादा रश है और मेरा जहाँ तक ख्याल है टिकटॉक वीडियोस बन रही है अब आगे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। वाह जी वाह क्या बात जगह पे रास्ता और जिस तरह तैयब आया यहाँ भी एक तो नहा के नहीं आया सारी आवाम देखे जी फैल गई है सारे जितने भी टिकटॉक स्टार से दूर दूर चले गए इस बंदे की मनुसियत चेक करें आप लोग एक तो इसकी मनुसियत ऊपर से बेज आई है कि नहीं तैयब ऐसे तो जहाँ पे भी आप लोगों को बेज आई नजर आए ना तो वहाँ पे तैयब को फोन कर दिया करें ये आएगा एक मिनट में बेहजाई खत्म। तैयब भट्टी साहब इस टाइम सो गए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गए और देखे माशाल्लाह अच्छा लग रहा है वैसे ना प्यारा लग रहा है मजाक से हट के सीरियसली अब कमेंट्स में आप लोग बताएं कि तैयब भट्टी सोया हुआ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा लुक भी है इसकी ये चेक करें फुल फुल चेक करें देखिए गौर करें नाक भी टेढ़ा है अक्षय कुमार लग रहा है फुल और बंदा यार अच्छा है आप लोगों ने ना कमेंट में जरूर इसकी तारीफ करनी है बाकी हम लोग इसके साथ थोड़ा बहुत शुगर लगाते हैं हाँ बाकी हम लोग इसके साथ थोड़ा बहुत शुगर लगाते हैं लेकिन दिल का ये बंदा ना बिल्कुल बिल्कुल ना गुड है परफेक्ट है ये कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं शैम्पू किधर गया जे ला लिया ए जी नहाने आए मैं लेकिन इस बंदे शर्म नहीं आती चेक करो दुनिया च इनिया टूटिया ने इन्ने नलके है फिर भी यह बंदा नहीं नहाता तेरे तो यही चंगे है क्या बात ए मना कोई नहीं करता इतने ओ वेखो जी कूलियाँ भी करता भैया ये हो गया डूब गया बच्चा ओए हो जिंदा है अच्छा पानी चेक कर लें आप लोग पानी ना थोड़ा पानी है सारे ही हाँ ये इतना सा पानी है हाँ चल जा नीचे एक मिनट यार हो गया जी क्या बात है बाहर आ गया जी बब्बर शेर मोटर बोट वो जा रही है और अब पानी ला दिया मोटर बोट गुजरी है आप लोग चेक करें जी पूरी फुल वेव्स आने लग गई हैं पानी में इतने लोग यहाँ पे टिकटॉक बना रहे हैं ना इतने ज्यादा लोग लड़के मतलब सारों ने मेकअप किया इतनी बेहयाई फैल गई है और यकीन माने किसी एक बंदे की भी शक्ल देखने की नहीं है यहाँ लगता नहीं इस्लामी मुल्क है हमारा लगता ही नहीं है मतलब ये फैमिली पार्क है और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा अब अपनी फैमिली वगैरह ला सकता है और आप लोग यकीन माने टिकटॉक स्टार से ये तैयब भट्टी बहुत ही ज्यादा प्यारा है यकीन माने इसको आप हैंडसम बॉय कह सकते हैं और तैयब भट्टी साहब बाइक को कर रहे हैं रिवाज और इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देते हैं बाकी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ बाकी अगर कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए माज़रत लव यू।